नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अमझेरा के सदर बाजार में 3 दिन पहले कोरोना संदिग्ध मरीज मिला, जिसके बाद मरीज का स्वास्थ्य बिगड़ने से इंदौर रेफर कर दिया था, जिसका इलाज के दौरान संदिग्ध मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद आज 11 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और परिवार के अन्य सदस्यों को धार कोरोना सेंटर भेजा। पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत सचिव ने सदर बाजार एरिया को बैरिगेड्स लगाकर सील कर दिया व गली में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। डॉक्टर AK चौधरी ने बताया कि संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन मामला हाई रिस्क होने से क्षेत्र को सील किया गया है। ये जो सदर बाजार से एक व्यक्ति को बुखार आने की वजह से उनको जो है हमने बाहर भेजा था, वहाँ पर उनका सैंपलिंग हुआ और सैंपलिंग होने के पश्चात उसमें जो संगीन पाया गया, संगीन पाने पर उनको इंदौर रेफर किया गया था। इंदौर में उनकी मृत्यु हो चुकी, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी और संगीन होने की वजह से उनका जो गली मोहल्ला क्षेत्र है वो हमने कंटेनमेंट जोन मानते हुए वो सील किया गया, एवं जो परिवार के मेंबर थे उनका सैंपलिंग और क्वारंटाइन करने के लिए उनको धार जिला अस्पताल भेजा जा रहा है, ताकि और पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज कर दिया जा रहा है, ताकि हाई रिस्क का जोन है तो जैसे वहाँ पर जो सावधानी बरती जाए। सर, इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं? अब वो इंदौर संभाग लेवल की मामला है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं तो उसमें देरी हो जाती है। कई बार केसेस का लोड कम रहता है तो जल्दी रिपोर्ट आ जाती है, वहाँ जो लेब में जो है अगर इसका लोड बढ़ जाता है तो सारी रिपोर्ट लेट भी हो जाती है। मतलब सर, रिपोर्ट के बाद ही बताया जाएगा? हाँ, रिपोर्ट कन्फर्म हो, रिपोर्ट आने के बाद ही अपन देख सकते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपका नाम? खबर समय जगत के लिए अमझेरा से मुकेश राठौर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।